प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आकाश शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम मंडी में शामिल पंचायतों के परिसीमन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के चलते परिसीमन को उचित ढंग से नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन और इलेक्शन कमीशन का फायदा उठाया है, जिसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी सुविधा अनुसार वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है, ताकि चुनावों में उनकी जीत हो सके। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ही परिसीमन किया जाना चाहिए और सही तरीके से नगर निगम का परिसीमन किया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता आकाश शर्मा का कहना है कि पंचायती राज नगर निगम नगर परिषद के एक्ट की पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में कुछ ऐसे एरिया को शामिल कर दिया गया है जो मात्र 400 से 500 मीटर में सीमित हैं, वहीं कुछ एरिया को 4 से 5 किलोमीटर एरिया में बांध कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के विरोध के बाद भी उन्हें नगर निगम में शामिल किया गया है और उनके सुझावों को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। रोष है और हम इस प्रक्रिया की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और प्रशासन और इलेक्शन कमीशन को ये कहते हैं कि सरकार के कहे अनुसार काम न करके कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, उनके वार्ड्स को उनके अनुसार जो है वो परिसीमन किया जा रहा है ताकि वो जीतें। हमारा ये अनुरोध रहेगा कि इस प्रकार की प्रक्रिया को ना अपना कर कानून व्यवस्था को, कानून के अंतर्गत नियम जो बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखकर परिसीमन किया जाए और ठीक ढंग से पंचायतों का, नगर निगम का, नगर निकायों का परिसीमन किया जाए।